नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मेरा नाम है अमन गुप्ता। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का कौन होगा नया मालिक, कौन सा भारतीय स्टार्टअप अमेरिकी शेयर बाजार में हुआ लिस्ट, कैसी रही सामही होटल की लिस्टिंग और विप्रो ने किसे बनाया नया CFO, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई अहम खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स अपनी सब्सिडियरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में 75% हिस्सेदारी 5,651 करोड़ से ज्यादा में निर्मा लिमिटेड को बेचेगी। ग्लेनमार्क ने शेयर बाजार को इस प्रस्तावित सौदे की जानकारी दी है। कंपनी ने कहा है कि उसके निदेशक मंडल की बैठक में ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के 9,18,95,379 शेयर निर्मा लिमिटेड को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। दोनों पक्षों के बीच हुए पक्के समझौते के मुताबिक ये बिक्री 615 रुपए प्रति शेयर के भाव पर की गई है। भारतीय स्टार्टअप रोडजेन अमेरिकी शेयर बाजार नैसडैक पर लिस्ट किया गया है। रोडजेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होने वाला एक प्रमुख ग्लोबल ऑटो इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में उभरा है। इसके सामान्य शेयर नैसडैक ग्लोबल मार्केट में RDZN नाम के तहत और इसके शेयर वारंट नैसडैक कैपिटल मार्केट में RDZNW नाम के तहत कारोबार कर रहे थे। अदानी समूह को महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है। समूह को 13,888 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर लगाने के दो ठेके सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी से मिले हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाने के लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड ने कुल 6 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, जिनमें से 2 अदानी समूह को मिले हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने BSE पर कैश शेयर ऑप्शन सेगमेंट में गलत तरीके से कारोबार करने में शामिल होने वाली 11 इकाइयों पर कुल 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन सभी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। HDFC म्यूचुअल फंड को फेडरल बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और 3 अन्य बैंकों DCB बैंक, करूर वैश्य बैंक और सिटी यूनियन बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.5% तक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति मिल गई है। बैंक ने शेयर बाजार को इस बारे में जानकारी दी है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी विप्रो ने कहा है कि उसके चीफ फाइनेंस ऑफिसर जतिन दलाल के इस्तीफे के बाद अपर्णा सी अय्यर को तत्काल प्रभाव से नया CFO बनाया गया है। अय्यर साल 2003 से ही कंपनी से जुड़ी हुई हैं। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रही थीं। ग्राहकों को सीधे सामान बेचने वाली कंपनी ओरिफ्लेम इंडिया के कॉरपोरेट मामलों के निदेशक विवेक कटोच को भारत में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन डायरेक्टरेट सेलिंग एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कटोच को दूसरी बार इस पद के लिए चुना गया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओयो ने जनवरी से जुलाई 2023 में कॉरपोरेट जगत से जुड़े 2800 ग्राहक जोड़े। ये सालाना आधार पर 12.5% ज्यादा है। इसके अलावा ओयो बिजनेस ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार जनवरी से लेकर जुलाई 2023 में बिजनेस ट्रैवल में सालाना आधार पर 20% राजस्व वृद्धि भी दर्ज की गई है। फिनटेक कंपनी जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 164 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ लिस्ट हुए। BSE पर शेयर 1.21% की गिरावट के साथ 162 रुपए पर लिस्ट हुए। हालांकि बाद में 4% की बढ़ोतरी के साथ 170.70 रुपए पर ये शेयर पहुंच गए। सामी होटल्स लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 126 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 7% की बढ़त के साथ लिस्ट हुए। BSE पर शेयर ने 3.61% की उछाल के साथ 130.55 रुपए पर शुरुआत की। बाद में ये 5.55% बढ़कर 133 रुपए पर पहुंच गए। वहीं NSE पर इसने 6.74% की बढ़त के साथ 134.50 रुपए पर कारोबार शुरू किया। कॉरपोरेट जगत से जुड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन कंपनी नामा में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार।